ऑल राइट, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वर्षा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके अपनी फिशरी की क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स IBPS AFO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार क्लियरली बता दीजिए दैट माई वॉइस इज़ क्लियरली ऑडिबल टू यू एंड द स्क्रीन इज़ क्लियरली विजिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन वेरी स्मूथली। इज़ एवरीथिंग फाइन गाइस? Yes, everything is okay now. Okay, so today we are going to discuss about some important questions of fishery portion. ठीक है, fishery portion के important questions को लेकर आज हमें discussion करना है। तो जितने students present हैं एक बार comment करके ज़रूर बता दो voice is clearly audible or not. हाँ, और कैसे हो भाई, सब बढ़िया? Is everything going on smoothly in your life? रिगार्डिंग द प्रिपरेशन से द एग्जाम। अमित, शुभम, रोशनी, गुडिया, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर 24/7 के हमारे प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स जो भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपका SSC, डिफेंस, रेलवे, एग्रीकल्चर, वट एवर द एग्जाम्स यू आर टारगेटिंग फॉर, आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इसी के साथ साथ अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये मोबाइल ऐप होगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको सबसे ये फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डेली बेसिस पर क्विजेस, करंट अफेयर्स, ये सभी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। राइट, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आपको मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, वो सब आपको टाइमली प्रोवाइड होती रहेंगी। उसी के साथ साथ गाइज, दिस इज़ योर सेशन फॉर टुडे, सेट वन हम कर रहे हैं फिशरी का। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एग्जाम्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ एग्रीकल्चर महापैक, जिसमें सभी मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एग्जाम्स को कवर किया गया है। तो गाइज, टुडे वी आर हैविंग डबल वैलिडिटी ऑन द महापैक। ठीक है, डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है महापैक पर। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल विद अस, यू कैन हैव दिस महापैक। ये आपको 12+12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल हो रहा है। आपको 24/7 के ऐप पर विजिट करना है, एग्रीकल्चर महापैक को सर्च बार में सर्च करना है, या फिर सिंपली आप एग्रीकल्चर ऑप्शन से पे जाकर एग्रीकल्चर महापैक तक पहुँच सकते हैं। सी ऑफर्स में जाकर Y344 कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस आप महापैक को अवेल करके अपना प्रिपरेशन हम लोगों के साथ कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस पे ये अवेलेबल हो रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड ई बुक सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, सो गाइज, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। कौन सा कलर लें? ग्रीन कलर वुड बी सुटेबल। राइट, इट साउंड्स ब्यूटिफुल। So, first question is, if more than single species of fish is cultured at a time, then it is called as, अगर एक समय पर एक पॉन्ड के अंदर या फिर एक वाटर बॉडी के अंदर अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा स्पीशीज को कल्चर कर रहे हैं तो what it will be called as, इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में एक लाइन आ रही है। सुमित, कहाँ पर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक? इज इट क्लियर गाइस? ऑप्शंस आर देयर फॉर यू, यहाँ पर आपके ऑप्शंस भी आ चुके हैं स्क्रीन पर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथ साथ में गाइस क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे, ऑप्शंस भी आ चुके हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आशु गुजे, क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। अच्छा, ये लाइन कैसे आ रही है यहाँ पर? एक सेकेंड, या आई अंडरस्टूड। ये लाइन का आने का लॉजिक हो सकता है?
अभी ओके है क्या? अब नहीं आ रही होगी ना लाइन? देखो आपके मैम भी आप लोगों के साथ रह के टेक्नो प्रो हो गई है. नाउ इट इज़ ओके ना गाइस? इज ए स्टिल एनी लाइन? आई थिंक अब कोई लाइन नहीं है. ठीक है, येस, नाउ इट इज़ ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हैव द राइट आंसर, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आपका पॉलीकल्चर. ठीक है, इसको हम पॉलीकल्चर कहते हैं. अच्छा, अभी आप लोग मुझे डिफाइन करेंगे कि मोनोकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, एक्वाकल्चर की क्या होती है, मोरीकल्चर क्या होती है. हाँ, येस, हाँ, मैंने उसको सही कर लिया है. अभी ऑप्शन क्लियर है. आशु, इज़ एवरीथिंग ओके नाउ? आई थिंक अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आई कैन ऑल्सो सी ऑल दिस थिंग्स नाउ. अभी ओके है सब? चलिए, मोनोकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर क्या होता है, मोरीकल्चर क्या होता है, जल्दी से इन सभी ऑप्शंस का आंसर बताइए. हाँ, मोनोकल्चर की अगर मैं बात करूं तो मोनोकल्चर होता है जब आप एक वाटर बॉडी के अंदर एक सिंगल स्पीशीज को ही कल्टीवेट कर रहे हैं, दैट इज़ मोनोकल्चर. एक्वाकल्चर में क्या होता है, आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अगर आप रियर कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं ऑन अ वाटर बॉडी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपका फ्लोरा एंड फना दोनों आ गए. ठीक है, फ्लोरा एंड फना दोनों आ गए, यानी कि प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी, दोनों स्पीशीज इंक्लूडेड हैं. और मोरीकल्चर, मोरीकल्चर बताइए. हाँ, यस, बताइए. हाँ, मोनोकल्चर, यस, एक से ज़्यादा अगर आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं, अगर आप एक ही क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं रोशनी, तब आपका मोनोकल्चर होता है. मोनो मीन्स सिंगल. ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल. आप लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा मोनोटोनस. आप लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा मोनोटोनस. एक वर्ड सुना होगा मोनोपोली. ठीक है, तो उसी तरह से आपका एक टर्म है मोनोकल्चर, राइट? और एक्वाकल्चर वाटर बॉडीज की जब हम बात करते हैं. मोरीकल्चर, यस, मोरीकल्चर जब आप क्या कर रहे हो, सिल्क वॉर्म को रेयर कर रहे हो. सिल्क वॉर्म को रेयर नहीं कर रहे हो, सिल्क वॉर्म को रेयर करना सेरीकल्चर होता है. एक सेकेंड आशु, विशु, सिल्क वॉर्म को रेयर करना सेरीकल्चर होता है. मोरीकल्चर होता है मोरस अल्बा को रेयर करना. मोरस अल्बा इज मलबरी. ठीक है, मलबरी इज़ द ट्री स्पीशीज़. ये वो ट्री स्पीशीज़ है जिस पर आपका सिल्क वॉर्म रिजाइड करता है. क्या करता है? सिल्क वॉर्म रहता है उस ट्री स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? मोरस अल्बा और मलबरी कहते हैं. क्लियर गाइज यहाँ तक का? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है. अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर इज रियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ. पीसी कल्चर में आप किसको रियर करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं, बताइए जल्दी से. पीसी कल्चर इज रिलेटेड विद द फिशेस. फिशेस के रेयरिंग एंड प्रोडक्शन को पीसी कल्चर कहा जाता है. बर्ड्स को आप रेयर करते हैं. ठीक है, बर्ड्स को आप रखते हैं कहाँ पर? आपका एपियरी में रखते हैं. एज सच रेप्टाइल्स, आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं, क्रोल करने वाले जो जीव होते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल एंड लैंड हैबिट्स दोनों में पाए जाते हैं. उनको आप रेयर एंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं इस तरह से. एंड वूल यील्डिंग आपके एनिमल्स को भी इस तरह से रेयर नहीं किया जाता है. ठीक है, तो द सेकेंड क्वेश्चन हैज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर गाइज, नॉट ऑप्शन नंबर बी. एक सेकेंड, यहाँ ये ऑप्शन गलत है. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन. ठीक है, अभी जस्ट अगवाई मैं बोलती हूँ आप लोग के लिए, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, पेड क्लासेस भी और यूट्यूब क्लासेस भी. अभी जस्ट मैंने आपको कल्चर फिशरी और कैप्चर फिशरी के बारे में बताया था आपके IBPS AFO के पेड बैच में. ठीक है, कल्चर फिशरी को फर्दर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इनलैंड फिशरी, मरीन फिशरी और ये आपका इंटेंसिव फिशरी और एक्सटेंसिव फिशरी. ठीक है, तो आपसे पूछा कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे. आप मरीन फिशरी के लिए, कल्चर फिशरी के लिए, इनलैंड फिशरी के लिए और कैप्चर फिशरी के लिए. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. यस सोनी, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक था. बच्चे एक काम क्या करो, वेन एवर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, जैसे रिया ने और पिंकी ने, सुमिति ने आंसर किया है, वैसे आप आंसर करेंगे. यानी कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर. ठीक है, मरीन आप क्या करते हैं, जब सी वाटर में फिशेज़ को रेयर करते हैं, दैट इज़ मरीन फिशरी. जब आप फ्रेश वाटर में फिशेज़ को रेयर करते हैं, दैट इज़ योर इनलैंड फिशरी.
कल्चर यानी कि आप रियरिंग एंड कल्टीवेशन कर रहे हैं फिशेस का, कैप्चर यानी कि आपने कैप्टिव एरिया बनाया वहाँ पर आप फिशेस को फिशेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैप्चर करके आपने उनमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की है, आपने उनमें ब्रीडिंग इंड्यूस्ड की है ताकि आपको फिशेज ऑब्टेन हो सके, तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे, बट बी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, ठीक है। तरीका आपका सही है बट आंसर भी आपको सही ही लगाना है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनलैंड फिशरी। अभी आप लोग को कैमरा और मतलब साउंड एवरीथिंग ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीन इज क्लियर टू यू गाइस। इनलैंड फिशरीज आर, इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, लुक एट द ऑप्शंस एंड आंसर इट एक्यूरेटली। डीप सी फिशिंग, अच्छा कल दो टर्म्स आपको बताए थे मैंने, कल मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, एक आपको पिलेजिक बताया था और एक आपको एक और टर्म बताया था, ठीक है। तो डीप सी फिशिंग क्या होता है, कैप्चर फिशेस फ्रॉम सी कोस्ट क्या होता है, और मतलब इनलैंड फिशरीज का मतलब आपको बताना है, रेजिंग एंड कैप्चरिंग फिशेस इन फ्रेश वाटर या फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फिशेस। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, यस राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज रेजिंग, वेरी गुड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है रेजिंग एंड कैप्चरिंग फिशेज इन फ्रेश वाटर। जब आप फ्रेश वाटर में फिशेज को रेज एंड कैप्चर करते हैं, दैट इज योर इनलैंड फिशरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसिंग्लास इज एम्प्लॉयड इन, इसिंग्लास इज अ बायो प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक बाय प्रोडक्ट है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिशेज, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो आपकी शार्क्स कैटेगरी के फिशेस होती है वहाँ से एक्सट्रैक्टेड होता है। आपको बताना है इसिंग्लास का हम किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यस अविनाश, सुमित, पिंकी, संजय, एग्रो इंडियन, विशु, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और जितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं गाइस, सबके सब क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे, ठीक है, फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फटाफट से क्या होगा। जल्दी से भाई, बी क्विक। इसिंग्लास इज एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स, क्लियरिंग ऑफ वाइन्स, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन्स या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइन। वट वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बी क्विक। देखिएगा इसिंग्लास इज एम्प्लॉयड इन, इसिंग्लास का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स, क्लियरिंग ऑफ वाइन्स, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन्स और प्रिजर्वेशन ऑफ वाइन्स। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं आपका किस पर्पस के लिए, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाइन। तो सी वुड बी द राइट आंसर, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नहीं सी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बी वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियरिंग के लिए, वाइन्स के क्लियरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसिंग्लास का इस्तेमाल करते हैं वाइन्स के क्लियरिंग पर्पस के लिए, डिस्टिलेशन पर्पस के लिए नहीं। डिस्टिलेशन ऑफ वाइन्स इज ऑल डिपेंड अपॉन डेंसिटी, प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ईस्ट जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पजेज आप अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। येस बी वुड बी द राइट आंसर, येस सुमित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सकिंग माउथ एंड रास्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इफ गाइस इफ यू आर टारगेटिंग फॉर यूटी, इस क्लास में नहीं मैं हिंदी में रख रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपका IBPS AFO में क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना, अदर एग्ज़ाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस फॉरेस्टी वाले पोर्शन से मैं आपके हिंदी में भी क्वेश्चंस लेकर आने लग गई हूँ, ठीक है। जहाँ पर आपके फॉरेस्ट्री, जहाँ पर आपके बायलिंगुअल एग्ज़ाम है वहाँ पर आपके क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, ठीक है, फिर भी मैं ये वाला भी लेकर आऊँगी। हाँ येस, क्लियरिंग वुड बी द राइट आंसर, येस विशु। हाँ अथर, लाइव ही चल रही हैं आप लोग की क्लासेस। सकिंग माउथ एंड रास्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन, मॉस्किटोज की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशेज, कौन से फिशेज में ऐसे वाले माउथ प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस आर ओस्ट्रैकोडर्म्स, हैग फिशेज, लैम्फ्रेज और शार्क।
तो वट वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. सकिंग माउथ एंड रास्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रैकोडर्म्स, हैगफिशेस, लैम्फ्रेज और शार्क्स. क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज लैम्फ्रेज. ठीक है, लैम्फ्रेज जो फिशेज होती हैं दैट हैव सकिंग माउथ एंड रास्पिंग टंग. अच्छा, और आप में से अगर कोई मेरे साथ FCI AG3 टेक्निकल की जूलॉजी वाली पेड क्लास में कनेक्टेड है, तो भैया अभी जूलॉजी में हमने एनिमल क्लासिफिकेशन किया. एनिमल क्लासिफिकेशंस में हमने सुपर क्लास ग्रैथो एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स किए, ऑफ वर्टिब्रेट्स किए. तो वहाँ पर मैंने आपको लैम्फ्रेज के बारे में बताया था. तो इसलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बोलती हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर कराए जाते हैं, उनको क्लियरली हाईलाइट कर लिया करो जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट. तो गाइस, टेलियोस्ट के अंदर बेसिकली हम फिन फिशेस को टेलियोस्ट की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. सो हेयर द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट. एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट कैरियर, द राइट आंसर वॉज लैम्फ्रेज. ठीक है, एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है. बताइए जल्दी से क्या होगा. ऑप्शंस चाहिए. ऑप्शंस आर कटला, हिल्सा, एलिशा, रेयर्स एंड स्केयर्स और शार्क्स. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा? बी क्विक. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 इज ए, दैट इज कटला. कटला इज अ फ्रेश वाटर फिश और मेरीन वाटर फिश. बताओ भाई जल्दी से, एक फ्रेश वाटर फिश है या फिर एक मेरीन वाटर फिश है? बताइए जल्दी से, बी क्विक. कटला इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. एंड कटला इज अ फ्रेश वाटर फिश और मरीन वाटर फिश. यस, कटला इज अ फ्रेश वाटर फिश. ये आपकी क्या है? फ्रेश वाटर फिश. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेश वाटर एडिबल फिश. ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग aortic arches फॉर्म पल्मोनरी आर्ट्री इन लंग फिशेज. तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, लंग फिशेज, डॉग फिशेज आपकी. तो उनमें आपसे पूछा है कि aortic arches जो होती हैं, कौन सी aortic artery आपका पल्मोनरी आर्ट्री फॉर्म करती है. तो वट विल दैट पल्मोनरी आर्ट्री डू? दैट पल्मोनरी आर्ट्री विल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड. बी क्विक विद योर आंसर. बताइए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा. बताइए भाई जल्दी से, द नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ फिशेज आर. फिशेज के हार्ट में कितनी चैम्बर्स होती, फिशेज के हार्ट में कितनी चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शंस आर फिशेज के हार्ट में, सॉरी आंसर भी साथ में आ गया, 1, 2, 3, 4. और आपको मुझे बताना है फिशेज का जो सर्कुलेशन. यस, एवरीथिंग इज ओके गाइज, देयर इज नो इशू. नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फिश अगर आपसे पूछा जाए तो यू हैव टू आंसर 2. फिशेज के हार्ट में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं. और फिशेज का जो मोड ऑफ सर्कुलेशन होता है, जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है. सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आपका, ये दो चैम्बर्स कौन सी प्रेजेंट होती है? वन इज द ओरिकल, जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इज द वेंट्रिकल. दूसरा आपका वेंट्रिकल होता है. ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है. फिशेज के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट होता है? तो फिशेज के अंदर रेस्पिरेशन के लिए आपका गिल्स प्रेजेंट होती है. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन. अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा. आई एम लुकिंग एट योर आंसर. जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ. यस, दीपक चौधरी, बिहेव योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर स्टडीज. स्टडीज काम आएंगी और कोई चीज़ काम नहीं आती है जीवन में.
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन लाइफ बॉडी वेट ऑफ फिश इज। अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको बताना है कि जो लाइव बॉडी वेट है एक फिश का, उसके अंदर प्रोटीन का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रोटीन का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 10-13%, 15-20%, 18-23% या फिर आपका 5-12%। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सीधा सही आंसर क्या होगा। हर्ष, पिंकी, विशु, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन लाइव बॉडी वेट ऑफ फिश इज। ऑप्शंस आर 10-13%। ये आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू लर्न। ठीक है, रिया ने क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड रिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। भाई तुम लोग भी आंसर लगाओ, हाँ एक दूसरे का नकल करके ही लगा दो। चाहे सुमिति आपका आंसर ठीक है, हर्ष इस क्वेश्चन का आंसर 15-20% हो। ओके, 15-20% देर इज नथिंग कंसेप्ट काइंड ऑफ थिंग, आपको लर्न करना है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन फिश बॉडी द शेयर ऑफ मिनरल्स इज। अभी फिशेस के बॉडी के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द बेसिक कंपोजिशन, जैसे हमारा एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, दे टू हैव ये भी बोन्स हैं एंड बोन्स के फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हियर द क्वेश्चन इज कि फिश बॉडी के अंदर मिनरल्स का कितना शेयर प्रेजेंट होता है। एंड द ऑप्शंस आर 1-2%, 3-4%, 4-5% एंड 5-6%। बी क्विक, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे गाइस। और जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने क्लास अभी तक लाइक नहीं किया था, एक बार क्लास को आप लोग लाइक भी कर देंगे। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5-6%। ठीक है, 5-6% मिनरल्स प्रेजेंट होता है फिश की बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेजिनस फिशेज आर। कौन से फिशेज को कार्टिलेजिनस फिशेज कहा जाएगा। 12th क्वेश्चन इज, कौन से फिशेज को कार्टिलेजिनस फिशेज कहा जाएगा। देखो, फिशेज को जब आप बेसिकली डिवाइड करते हैं तो आपके बोनी फिशेज होती हैं, आपके कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं, साइक्लोस्ट्रोमेटा एक्सटेंट फिशेज की कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, एकैंथोस्ट्रोमेटास भी आपके एक्सटेंट फिशेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेज का आप लोगों से सिनोनियम पूछा है, सेकेंड नेम पूछा है, प्लैकोडर्म्स कहेंगे इनको, एकैंथोडियंस। एकैंथोडियंस जो फिशेज होती हैं गाइस, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ, ये अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। प्लैकोडर्म्स जो फिशेज होते हैं, दे कम्स अंडर अ सब कैटेगरी, आपके सब कैटेगरी के अंदर आते हैं, फर्दर कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेज के अंदर। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ड्रोसाइटिस और ऑस्टियोसाइटिस इनमें से बता दो। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया, नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम द अदर टू ऑप्शंस। आप लोग को बचे हुए दो ऑप्शंस में से चूज करना है बस। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। बी क्विक, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कार्टिलेजिनस फिशेज। कौन सी फिशेज होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। यस, कॉन्ड्रोसाइटिस जो फिशेज होती हैं उन्हें ही हम कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं, और जो आपके ओस्टियोसाइटिस होती हैं उन्हें हम बोनी फिशेज कहते हैं। कौन से फिशेज कहते हैं, बोनी फिशेज कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेजर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन इन फिशेज। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। क्या आप में से कोई ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन कर सकता है, जल्दी से डिफाइन कीजिए, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। यस, ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें आपका वाटर बॉडी को आपके बॉडी के अंदर रेगुलेट किया, वाटर लेवल को, वाटर को आपके बॉडी के अंदर बैलेंस किया जाता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो फिशेज के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स होती हैं, किडनी होती है, लीवर होता है या फिर स्टमक होता है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, फिशेज के अंदर क्या प्रेजेंट, क्या आपका ऑर्गन होता है जो ये काम करता है।
बताइए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिशेस के अंदर आपका ओस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। गिल्स का काम होता है ये, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जो आपका लिक्विड है उसके वजह से जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष। नेक्स्ट है, इलास्मो ब्रांच रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से ऑर्गन के थ्रू, जो आपके इलास्मो ब्रांच आपके फिशेज की कैटेगरी है वो सोडियम क्लोराइड सोल्ट को, जो आपका कॉमन सोल्ट है उसको उसकी बॉडी से रिमूव करती है? गिल्स की हेल्प से, किडनी की हेल्प से, लीवर की हेल्प से, या फिर रेक्टल ग्लैंड्स की हेल्प से? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल, बी क्विक। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कि आपसे ये पूछा गया है कि इलास्मो ब्रांच रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू कहाँ से रिमूव करते हैं? द राइट आंसर इज रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स आपका स्पेसिफिक, मतलब एक होता है ना स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए इलास्मो ब्रांच फिशेस के अंदर, रेक्टल ग्लैंड्स। यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया? प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग, करंट डेटा के अकॉर्डिंग, फिलहाल हाइएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर होती है? इंडिया में सबसे ज़्यादा मरीन फिश प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, या फिर तमिलनाडु में? यस, राइट आंसर अथर लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर रेक्टल ग्लैंड्स होगा। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर, मैंने बोला प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है, प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मरीन फिश का प्रोडक्शन रिया विशु यहाँ पर है आपका गुजरात में, ठीक है। तमिलनाडु और केरला प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर था, और मैं जब कोई चीज़ बता रही हूँ ये लिख कर कि प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग बताओ तो आपको फिर गलत करने का चांस ही नहीं बच जाता है। हाँ, नबार्ड का एग्जाम हो चुका है, प्री एग्जाम हो चुका है नबार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रिगेट टूना इज, फ्रिगेट टूना इज अ फिश, आपको बताना है फ्रिगेट टूना का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑक्सिस थेजर्ड, ऑक्सिस रोशाई, थुनस टॉनगोल, या फिर आपका कत्सू वॉनस? बताइए इस क्वेश्चन, और पहला मिस द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आपका ऑक्सिस थेजर्ड, ठीक है, ऑक्सिस थेजर्ड इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अथर प्लांट पैथोलॉजी के लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी, ठीक है, आई थिंक मीनाक्षी मैम या हिना मैम आप लोगों की ये क्लास ले रही हैं। यस, मेन वाटर बॉडी बैलेंस करना, जी। तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑक्सिस थेजर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट फिश इज ऑल्सो नोन एज, आपसे पूछा गया है कि व्हाइट फिश का नाम क्या है? यस, नेगेटिव मार्किंग इज देयर, नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द एफसीआई एग्जाम। व्हाइट फिश इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स ट्रेवली, ज्यू फिश, क्रॉकर, या फिर थ्रेड फिन? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉल्स ट्रेवली, ठीक है, फॉल्स ट्रेवली इज द कॉमन नेम फॉर योर कौन से फिश? वाइट फिश के लिए सेकेंड नेम है वाइट फिश का फॉल्स ट्रेवली, ठीक है। 18th क्वेश्चन इज, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज प्रॉम्फेट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चाइनीज प्रॉम्फेट जो एक फिश वेराइटी है उसका प्रोडक्शन होता है? राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाइनीज पॉम्फ्रेट फिशेस का, एंड दैट इज़ इन कर्नाटका। जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर बताइए, देन वी विल डिस्कस समथिंग, ठीक है, उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे, आपके जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको क्लियर करेंगे। पहले आप क्वेश्चंस का आंसर बताइए राजेंद्र, जैसे ही आपके क्वेश्चंस का सेगमेंट पूरा हो जाएगा फिर हम आप लोगों से एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपके एक्स्ट्रा डाउट्स को क्लियर करूँगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, द स्पीशीज हैविंग टॉप मोस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से फिशेज का है? अच्छा, कल परसों में स्टूडेंट सम ऑफ यू आर सेइंग कि मैम हम एक डेटा क्रॉस चेक करके आपको बताएंगे, तो आप लोगों ने अभी तक वो
मुझे बताया नहीं है, जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीशीज हैविंग टॉप मोस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पेरूवियन एंकोवियाटा जो कि पेरू में है, एंड पेरू इज इन साउदर्न अमेरिका, ठीक है। पेरू इज़ अ कंट्री अंडर इन कॉन्टिनेंट साउदर्न अमेरिका, वहीं पर आपका टॉप वो है, वहीं पर आपका टॉप मोस्ट प्रोडक्शन होता है फिशेज का, और कौन से फिश का, पेरूवियन एंकोवियाटा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज ग्रोथ ओवर फिशिंग इज एन ओवर फिशिंग ऑफ, किसकी ओवर फिशिंग करना, एक्सेसिवली फिशिंग करना, उसे ग्रोथ ओवर फिशिंग कहा जाता है, दैट इज ऑफ यंग फिश, यंग फिश की, ठीक है, यंग फिश की ओवर फिशिंग करने को ग्रोथ ओवर फिशिंग कहा जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस डाउट सब आपको क्लियर है, यू कैन आस्क, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, चलिए अभी ना कुछ स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर करती हूँ। सबसे पहले वो डाउट क्लियर करने से पहले आपको एक बार महापैक के बारे में बता देती हूँ। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर दे आर द स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, FCI, NABARD हो गया, IBPS, AFO हो गया, हरियाणा ATO हो गया, तो एग्रीकल्चर का महापैक अंडर 24/7 के स्टोर पर अवेलेबल है, और आज के दिन आपको डबल वैलिडिटी यानी कि सेम प्राइस पर आपको डबल टाइम के लिए ये महापैक अवेलेबल हो रहा है। लेट्स से अगर आपको पहले 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा था, तो अब आपको ये 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। व्हाट यू हैव टू डू, गो टू दैट 24/7 स्टोर ऐप, ऑन द सर्च बार आपको एग्रीकल्चर महापैक सर्च करना है, या फिर सिंपली आप एग्रीकल्चर ऑप्शन पे जाके स्क्रॉल करेंगे एंड सी ऑफर्स में जाके आप Y344 कोड अप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस एग्रीकल्चर महापैक विद मैक्सिमम डिस्काउंट। जी यस, वो बता दीजिए, यस रोशनी, लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू, हाँ समझा दीजिएगा। स्पेंट इंडिविजुअल किसके रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं भाई? अच्छा, पहले मैं आप लोग का ये डाउट, सम ऑफ यू आर आस्किंग मैम JRF कौन से सब्जेक्ट से करें, तो भाई जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है आप उसी के साथ तो जाएंगे ना, आप किसी और सब्जेक्ट के साथ कैसे जा सकते हैं। सेकेंड इज टूडे इज सैटरडे, और आज मेरी अभी आपकी ये वाली क्लास है, ठीक है, और आज ही आपका ADO एग्ज़ाम के लिए रैपिड फायर भी है, फॉरेस्ट्री का रैपिड फायर है एट 1:45 PM, ठीक है, और सैटरडे को मेरी एक क्लास होती है IBPS AFO फिशरी की, उसके अलावा सैटरडे से पहले थर्सडे को होती है इसी एग्ज़ाम के लिए इसी टाइम पर 11 AM पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, और ट्यूसडे को होती है फॉरेस्ट्री की, ठीक है। ये यहाँ पर शेड्यूल हो गया सैटरडे का। मंडे को आई विल हैव अ क्लास ऑन हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एट 6 PM, ये क्लास होगा जिसमें फॉरेस्ट्री कराऊंगी मैं आपको, और ऑल्टरनेट डेज पे आपकी जूलॉजी की क्लास होती है। अच्छा, कल जो भी स्टूडेंट्स FCI AG3 टेक्निकल एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, कल आपकी मैराथन क्लास है, जूलॉजी एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो मेक श्योर आप वो क्लास अटेंड करें अगर आप FCI AG3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और मेरी क्लासेस आपको टाइमली पता लगती रहेंगी, आप चैनल पे जुड़े रहिए, और जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसका पूरा स्लॉट होता है क्लासेस का, ठीक है। मेरी क्लासेस की IBPS AFO मेंस के लिए क्लासेस का मैंने टाइमिंग बता दिया है, ट्यूसडे को फॉरेस्ट्री, थर्सडे को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड सैटरडे को फिशरी एट 11 AM। उसके अलावा जो और क्लासेस हैं उसका भी आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। टाइम 11 AM, मैराथन कल फुल डे मैराथन है, मेरी मैराथन आई थिंक 5 PM पर है, 5 PM पर आपकी जूलॉजी एंड फिजिक्स वाली क्लास होगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कि अगर आपको कोई और डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ, और करते हैं आज के सेशन को अभी एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड टेक सेलेक्शन, मेक योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स प्राउड। Okay then, bye-bye, take care and have a nice time.